हेलो एवरीवन, आई समीश फाले, लेक्चरर इन मैकेनिकल डिपार्टमेंट एनआईटी पॉलिटेक्निक नागपुर, वेलकम यू ऑल इन द कोर्स दैट इज थर्मल इंजीनियरिंग हैविंग कोड 22337 फॉर थर्ड सेम डिप्लोमा इन मैकेनिकल इंजीनियरिंग। टुडे वी विल स्टार्ट विद आर सिक्स चैप्टर दैट इज हीट ट्रांसफर एंड हीट एक्सचेंजर एंड today is the first lecture and today in today's lecture we will learn about what is heat transfer. okay, so before starting today's lecture let us discuss what we will learn from today's lecture. aaj ka lecture chalu karne ke pehle aaj ka video padhne ke baad mein aaj ke video mein apan kya seekhenge wo ek baar dekh lete. so after watching this video the learner will be able to डिफाइन हीट ट्रांसफ़र. आप ये आज का वीडियो देखने के बाद में आप डिफाइन कर पाएंगे कि हीट ट्रांसफ़र क्या होता है. उसके बाद में आइडेंटिफाई डिफरेंट मोड्स ऑफ हीट ट्रांसफ़र विथ इट्स अप्लीकेशन और आइडेंटिफाई कर पाएंगे कि डिफरेंट मोड्स ऑफ हीट ट्रांसफ़र कैसे होता है विथ इट्स अप्लीकेशन. ओके, प्रोग्राम आउटकम्स. आज के वीडियो देखने से कौन से प्रोग्राम आउटकम्स अचीव्ड होंगे वो नीचे वाले जो टेबल बना हुआ है जिसके आगे में टिक किया हुआ है वो वाले वीडियो आज के वीडियो से अपने पीओस क्या होंगे अचीव होंगे. क्लियर है? तो जैसा कि मैंने बताया अपना जो चैप्टर है वो हीट ट्रांसफ़र एंड हीट एक्सचेंजर है. तो आज का जो टॉपिक अपन पढ़ने वाले तो वो हीट ट्रांसफ़र पढ़ने वाले हैं. तो हीट ट्रांसफ़र क्या होता है सबसे पहले अपन देखते हैं. तो हीट ट्रांसफ़र क्या होता है? हीट ट्रांसफ़र इज द मूवमेंट ऑफ हीट एनर्जी. हीट ट्रांसफ़र क्या है? मूवमेंट ऑफ हीट एनर्जी. हीट ट्रांसफ़र में क्या होता है? मूवमेंट ऑफ हीट एनर्जी फ्रॉम वन सब्सटेंस टू अनादर. एक सब्सटेंस से दूसरे सब्सटेंस में क्या होता है? हीट ट्रांसफ़र ट्रांसफ़र होता है. हीट एनर्जी जब एक सब्सटेंस से दूसरे सब्सटेंस में ट्रांसफ़र होती है उस वाले एनर्जी को बोला जाता है, उस वाले चीज़ को बोला जाता है क्या? हीट ट्रांसफ़र. तो हीट ऑलवेज फ्लोज फ्रॉम हायर टेम्परेचर टू लोअर टेम्परेचर. ये हरदम आपको याद रखना है कि जिस बॉडी का टेम्परेचर हरदम ज़्यादा है वो बॉडी के टेम्परेचर से, वो बॉडी से हरदम हीट फ्लो होंगी कहाँ पर? दूसरे बॉडी में जिस बॉडी का टेम्परेचर क्या है? कम है. तो हीट ऑलवेज ट्रैवल फ्रॉम अ रीजन ऑफ हायर टेम्परेचर टू अ रीजन ऑफ लोअर टेम्परेचर. क्लियर है? तो जैसे कि ये एक हॉट बॉडी है, हॉट बॉडी है मतलब इसका टेम्परेचर ज़्यादा है, और ये एक कोल्ड बॉडी है. तो ये हॉट बॉडी क्या करेंगे? जैसा अपन ने देखे कि हीट ऑलवेज ट्रैवल फ्रॉम हायर रीजन टेम्परेचर टू अ लोअर टेम्परेचर रीजन, मतलब ये हॉट बॉडी का टेम्परेचर क्या ज़्यादा है? कोल्ड का कम है. तो हीट कहाँ से फ्लो होंगी? हॉट से कहाँ पर फ्लो होंगी? अपने कोल्ड वाले बॉडी में फ्लो होंगी. कहाँ पर फ्लो होंगी? हॉट से फ्लो होगी अपने कोल्ड वाले बॉडी में. तो ये हीट क्या हो रही है? फ्लो हो रही है हॉट से कोल्ड बॉडी. तो यही लिखा है यहाँ पे, बॉडी ए इज़ एट हाइयर टेम्परेचर. ये जो बॉडी ए है ये काय के ऊपर में? हाइयर टेम्परेचर के ऊपर में. देन बॉडी बी, तो बॉडी बी, देन बॉडी ए एंड बी आर इन कॉन्टैक्ट. तो लॉसेज ऑफ थर्मल एनर्जी एट अ हाइयर रेट देन द रेट एट विच ऑब्जर्व द थर्मल एनर्जी फ्रॉम बी. तो ये क्या बोल रहा है कि जो जितना एब्जॉर्प्शन कैपेसिटी रहेंगी किसकी? बॉडी बी की. वो उतना ज़्यादा एनर्जी एब्जॉर्ब करेंगी कहाँ से? जितनी कैपेसिटी रहेंगी ज़्यादा किसकी? बी की. क्लियर है? तो जैसे कि मैंने बताया बॉडी ए ये हाइयर टेम्परेचर के ऊपर में, उसके बाद में बॉडी बी क्या है? लोअर टेम्परेचर के ऊपर में, और ये क्या हो रहा है? कॉन्टैक्ट में. तो हीट ट्रांसफ़र हो रहा है कहाँ से? फ्रॉम ए टू बी. क्योंकि अपने को पता है जो बॉडी जिसका टेम्परेचर ज़्यादा रहता है वो बॉडी अपने को क्या करती है? ज़्यादा हीट, वो बॉडी टेम्परेचर ट्रांसफ़र करना चालू करती है, हीट ट्रांसफ़र करती है किसको? बॉडी बी को. क्लियर है? तो ये बॉडी ए क्या करेंगी? अपनी हीट ट्रांसफ़र करेंगी किसको? बॉडी बी को. क्योंकि बॉडी ए का टेम्परेचर क्या है? ज़्यादा है. बॉडी बी का टेम्परेचर क्या है? कम है. तो जब ये बॉडी ए बॉडी बी को हीट ट्रांसफ़र करना स्टार्ट करेंगी क्या होगा देखते हैं. दिस कॉजेज टेम्परेचर ड्रॉप इन बॉडी ए. जब भी बॉडी ए अपना टेम्परेचर दे रही है किसको? बॉडी बी को. तो बॉडी ए में क्या होगा? टेम्परेचर ड्रॉप होते रहेगा एंड इंक्रीज इन टेम्परेचर ऑफ बॉडी बी. और उसके कारण से क्या होगा? बॉडी बी का टेम्परेचर बढ़ेगा. जब बॉडी ए पहले टाइम में थी, ज़्यादा टेम्परेचर पर थी, तो वो अपनी हीट किसको दे रही है? बॉडी बी को. तो उसके कारण से क्या हो रहा है? बॉडी ए का टेम्परेचर कम होते जा रहा है और बॉडी बी का टेम्परेचर क्या हो रहा है? बढ़ रहा है. तो फाइनली टू बॉडीज ए एंड बी हैव द सेम टेम्परेचर. तो उसके कारण से क्या होंगे? एक टाइम ऐसा आ जाएगा कि जब बॉडी ए का टेम्परेचर और बॉडी बी का टेम्परेचर दोनों क्या हो जाएंगे? सेम हो जाएंगे. जैसे ये बॉडी ए है, ये क्या कर रहा था? हीट ट्रांसफ़र कर रहा था फ्रॉम ए टू बी.
और अगर बी का ज़्यादा टेम्परेचर होगा तो हीट ट्रांसफर होगा कहाँ से, बी टू ए में। तो एक टेम्परेचर टाइम ऐसा आएगा कि जब बॉडी ए का टेम्परेचर और बॉडी बी का टेम्परेचर क्या हो जाएगा, सेम हो जाएगा। उस वाले कंडीशन को दे आर इन इक्विलिब्रियम, उस वाले कंडीशन को क्या बोलते हैं अपन, थर्मल इक्विलिब्रियम बोलते हैं। उस वाले कंडीशन को क्या बोलते हैं, थर्मल इक्विलिब्रियम। तो सबको समझ में आ गया हीट ट्रांसफर क्या होता है। हीट ट्रांसफर एक फिनोमिना है जिसमें क्या हो रहा है कि हीट ट्रांसफर हो रही, कौन सी एनर्जी ट्रांसफर हो रही है, हीट एनर्जी ट्रांसफर हो रही है कहाँ से, एक बॉडी से, एक सब्सटेंस से दूसरे सब्सटेंस पे। और हीट ऑलवेज कहाँ से फ्लो होंगी, हाइयर टेम्परेचर से लोअर टेम्परेचर के ऊपर में फ्लो होंगी। कहाँ पर फ्लो होंगी, हाइयर टेम्परेचर से लोअर टेम्परेचर के ऊपर में फ्लो होंगी। और जब हीट हाइयर टेम्परेचर से लोअर टेम्परेचर के ऊपर में फ्लो होती है तो एक पॉइंट ऐसा आता है कि दोनों बॉडीज का टेम्परेचर इक्वल हो जाता है। और वो उस टाइम पे जब दोनों बॉडीज का टेम्परेचर इक्वल होता है उस वाले इसको बोला जाता है क्या, उस वाले इसको बोला जाता है अपना थर्मल इक्विलिब्रियम। उस वाली चीज़ को क्या बोला जाता है, थर्मल इक्विलिब्रियम। क्लियर है, सबको समझ में आ गया थर्मल इक्विलिब्रियम मतलब क्या, सभी को समझ में आ गया। ओके, तो नेक्स्ट टॉपिक जो है वो है अपना मोड्स ऑफ हीट ट्रांसफर। अभी मोड्स ऑफ हीट ट्रांसफर मतलब क्या, जैसा अपन ने देखे कि हीट ट्रांसफर हो रही है एक बॉडी से दूसरे बॉडी में, क्या हो रही है, हीट ट्रांसफर हो रही है। पर उसके जो ट्रांसफर होने का जो तरीका है उसको बोला जाता है मोड्स, उसको क्या बोलते हैं अपन, मोड्स ऑफ हीट ट्रांसफर। तो बेसिकली देर आर थ्री मोड्स ऑफ हीट ट्रांसफर। कितने मोड्स ऑफ हीट ट्रांसफर है, हीट ट्रांसफर के कितने मोड्स है, तीन। एक है कंडक्शन, सबसे पहला मोड है अपना कंडक्शन। सेकेंड है कन्वेक्शन, सेकेंड मोड है अपना कन्वेक्शन। और थर्ड है अपना रेडिएशन। क्लियर है, मोड्स ऑफ हीट ट्रांसफर कितने हैं, तीन। द थ्री मोड्स ऑफ हीट ट्रांसफर, जो हीट ट्रांसफर होता है एक बॉडी से दूसरे बॉडी में, एक सब्सटेंस से दूसरे सब्सटेंस में, तो उसके कितने तरीके होते हैं, तीन तरीके। एक है कंडक्शन, एक है कन्वेक्शन और एक है रेडिएशन। तो कंडक्शन में कैसे हीट ट्रांसफर होती है, कन्वेक्शन में कैसे हीट ट्रांसफर होती है और रेडिएशन में कैसे हीट ट्रांसफर होते हैं अपन आने वाले स्लाइड्स में देखते हैं। तो एक एक करके देखते हैं कि कंडक्शन क्या होता है, कन्वेक्शन क्या होता है और रेडिएशन क्या होता है। क्लियर है, सबसे फर्स्ट देखते हैं कंडक्शन। कंडक्शन में कैसे हीट ट्रांसफर होती है, कंडक्शन क्या होता है। तो कंडक्शन क्या है, कंडक्शन इज द प्रोसेस बाय विच हीट इज ट्रांसमिटेड थ्रू अ मीडियम फ्रॉम वन पार्टिकल टू अनादर। कंडक्शन क्या है, इज द प्रोसेस बाय विच हीट इज ट्रांसमिटेड थ्रू अ मीडियम फ्रॉम वन पार्टिकल टू अनादर पार्टिकल। मतलब क्या हो रहा है कि कंडक्शन में कैसी हीट ट्रांसफर होंगी, एक पार्टिकल से दूसरे पार्टिकल में, कौन सा मीडियम, एक पार्टिकल से दूसरे पार्टिकल में, जिस वाले भी इसमें हीट ट्रांसफर होती है उसको बोला जाता है क्या अपना कंडक्शन। उसको क्या बोला जाता है अपन, कंडक्शन। तो अभी कंडक्शन का सबसे आसान तरीका बताता मैं क्या समझने का। अगर आप एक कैंडल लो, एक कैंडल लो, एक कैंडल अपनी जल रही है और उसके ऊपर में क्या करो, एक लोहे की रॉड पकड़ो, एक लोहे की रॉड को इसके ऊपर में रखो। ये लोहे का रॉड का जो एक एंड है वो ये जो कैंडल है इसके फ्लेम के ऊपर में रखेंगे और एक एंड जो ये रहेगा ये वाले एंड को अपन क्या करेंगे, हाथ में पकड़ के रखेंगे। तो आप देखोगे कि कुछ देर के बाद में, कुछ टाइम के बाद में क्या होगा कि ये जो लोहे का जो रॉड है, ये जो लोहे का रॉड है, ये जो अपन ने हाथ में पकड़ा हुआ है, ये अपने को क्या लगेगा, गर्म महसूस होना चालू होगा। ये जो लोहे का रॉड है ये कुछ देर के बाद में अपने हाथ में कैसा लगना चालू हो जाएगा, गर्म लगना चालू हो जाएगा। ये क्यों हो रहा है, क्योंकि आप देखोगे कि ये जो रॉड है ये बहुत सारे पार्टिकल से बना हुआ है। ये रॉड क्या है, बहुत सारे अपने पार्टिकल से बना हुआ है। अभी पार्टिकल से बना हुआ है तो क्या कर रहे हैं अपन, ये रॉड को हीट कर रहे, हीट कर रहे। तो ये स्टार्टिंग में ये जो ये वाला एंड है, ये वाले पार्टिकल्स क्या होंगे, हीट होंगे। स्टार्टिंग में ये वाले पार्टिकल्स हीट होंगे, फिर ये पार्टिकल्स अपनी हीट किसको देंगे, बाजू वाले को देंगे, फिर ये इसको देंगे, फिर ये इसको देंगे। ऐसे करते करते ये पार्टिकल्स से क्या होंगी, हीट जाएंगे और ये कहाँ पे, अपने दूसरा एंड जो है, अपना जो दूसरा एंड है वहाँ पे भी क्या होंगी, हीट ट्रांसफर होंगी। तो इस तरीके से इस वाले प्रोसेस में ये जो हीट ट्रांसफर हो रही है इसको बोला जाता है क्या, कौन सा, कंडक्शन। इसको कौन सा बोलते हैं, कंडक्शन। तो समझ में आएगा कंडक्शन क्या है, कंडक्शन इज द प्रोसेस बाय विच हीट इज ट्रांसफर थ्रू अ मीडियम फ्रॉम वन पार्टिकल टू अनदर। और कंडक्शन हरदम जो होता है वो हरदम होता है कायम में, मैक्सिमम टाइम सॉलिड्स वाली जो चीज़ें रहती है उसमें होता है, हरदम कायम में होता है कंडक्शन, जिसमें सॉलिड रहता है उसमें होता है। तो समझ में आएगा कंडक्शन क्या है, कंडक्शन इज द प्रोसेस बाय विच हीट इज ट्रांसमिटेड थ्रू अ मीडियम फ्रॉम वन पार्टिकल टू अनदर। मतलब एक पार्टिकल से दूसरे पार्टिकल में हीट ट्रांसफर जिस वाले मीडियम से होता है उस वाले मोड को बोलता है कौन सा, कंडक्शन। क्लियर है, यहाँ पे हीट ट्रांसफर बाय कंडक्शन इज द ट्रांसफर ऑफ हीट थ्रू डायरेक्ट कॉन्टैक्ट। ये भी एक डायरेक्ट कॉन्टैक्ट में, कंडक्शन में क्या होता है, हीट कैसे ट्रांसफर होंगी, डायरेक्ट कॉन्टैक्ट। जो रॉड है वो डायरेक्टली अपने हाथ में कॉन्टैक्ट में, अगर अपन रॉड को पकड़ के नहीं रहेंगे तो वो कंडक्शन,
वो वाला रॉड अपने को गर्म महसूस होगा क्या? नहीं होगा। तो हीट ट्रांसफर कंडक्शन में हरदम याद रखना, हीट ट्रांसफर बाय कंडक्शन इज द ट्रांसफर ऑफ हीट थ्रू डायरेक्ट कॉन्टैक्ट। डायरेक्ट कॉन्टैक्ट से हरदम क्या होंगी, कंडक्शन में हीट ट्रांसफर होंगी। कंडक्शन में कौन से इससे ट्रांसफर होंगी, हीट ट्रांसफर बाय कंडक्शन इज द ट्रांसफर ऑफ हीट थ्रू डायरेक्ट कॉन्टैक्ट। कंडक्शन में डायरेक्ट हीट ट्रांसफर कैसी होंगी, हरदम डायरेक्ट कॉन्टैक्ट के कारण होंगी। क्लियर है, समझ में आ गया? तो कंडक्शन कौन सा ऐसा मोड्स है कंडक्शन में, वह एक पार्टिकल से दूसरे पार्टिकल में क्या होता है, अपनी हीट ट्रांसफर होती है। और ये कंडक्शन में जो रहता है हीट ट्रांसफर कैसे होता है, अपना डायरेक्ट कॉन्टैक्ट के कारण से। क्लियर है। एग्जाम्पल यहाँ पे फर्स्ट एग्जाम्पल दिया हुआ अपना कंडक्शन के। यहाँ पे देखो ये एक ग्लास है जिसमें पानी रखा हुआ है, या दूसरा ग्लास है जिसमें पानी रखा हुआ है। हो सकता है इसमें ये जो पहला है वो कौन सा है, वार्मर वाटर है। ये पहले वाले ग्लास में कौन सा वाटर है, वार्मर वाटर। दूसरे वाले ग्लास में कौन सा है, कोल्ड वाटर। और ये दोनों को अपन ने क्या कर दी, ये क्यूब है, क्यूब ये ट्यूब बना दिए। इससे क्या कर दिए, ये दोनों को अपन ने डायरेक्ट कॉन्टैक्ट है। ये मेटल कंडक्ट हीट फ्रॉम कप ऑफ वार्म वाटर टू द कोल्ड वाटर। तो इसमें क्या हो रहा है कि ये मेटल को अपने कॉन्टैक्ट किए, तो ये मेटल क्या होगा, ये जो गर्म पानी है इसका ये वाला साइड जो रहेगा वो क्या होते जाएगा, गर्म होते जाएगा। और जैसे ये वाला साइड गर्म होगा तो ये ऊपर ऊपर उसके पार्टिकल्स गर्म होते जाएंगे। और ये पार्टिकल्स गर्म होते 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 क्या होगा, ये वाली हीट अपनी किसको देंगे, कोल्ड वाटर को। ये हीट किसको देंगे, कोल्ड वाटर को। इस तरीके से अपनी एक एक बॉडी से हीट ट्रांसफर हो रही है कैसे, दूसरे बॉडी में। पर ये जो ट्रांसफर कर रहा है ये मीडियम कौन सा है अपना, सॉलिड। ये कौन सा मीडियम है, सॉलिड। ये जो मेटल का जो यह बना हुआ है ये कैसा है अपना, सॉलिड। तो अपनी हीट कहाँ से ट्रांसफर होंगी, एक गर्म पानी है, गर्म पानी से अपन हीट ट्रांसफर कर सकते हैं किसको, ठंडे पानी को। और उसको दोनों को कॉन्टैक्ट कैसे किए, एक मेटल के स्ट्रिप से अपन ने कर दिए उसको कॉन्टैक्ट कर दिए। तो गर्म वाला साइड, जिस वाले साइड में मेटल की स्ट्रिप गर्म वाले पानी में, तो क्या होंगी, गर्म होंगी। गर्म होने के कारण से वो पूरी धीरे धीरे गर्म होती जाएंगी। और दूसरी साइड में कौन सा अपना, ठंडा वाला। तो अपनी हीट किसको देंगे, वो ठंडे पानी को। ये आप यही लिखा दें, मेटल कंडक्ट हीट फ्रॉम कप ऑफ वार्म वाटर टू अ कप ऑफ कोल्ड वाटर। ये मेटल क्या कर रहा है, हीट को ट्रांसफर कर रहा है कहाँ से, वार्म वाटर से कोल्ड वाटर को। तो ये हो गया अपना एग्जांपल एक कंडक्शन का। क्लियर है। नेक्स्ट एग्जांपल है अपना ये बर्गर का। सभी ने बर्गर देखा होगा, बर्गर में ये देखो ये यहाँ पे एक निका मीट डाला हुआ है। ये बर्गर के बीच में मीट या आलू टिक्की जो भी रहती है वो डाला हुआ है, और उसके ऊपर में चीज़ डाला हुआ है, और चीज़ के ऊपर में ये बहुत सारी चीज़ें रखी हुई थी। आपने देखे होंगे कि जब भी बर्गर में क्या होता है, वो जो चीज़ डालते हैं वो क्या होती है, मेल्ट होती है। वो किसके कारण से मेल्ट होती है, देखो ये जो यहाँ पे अपन मीट रखते हैं, यहाँ पे जो भी मीट या जो भी आलू टिक्की रहती है उसके ऊपर में क्या रखा जाता है, अपना बर्गर रखा जाता है। तो ये जो आलू टिक्की या मीट जो भी रहता है ये क्या रहता है, गर्म रहता है। ये गर्म रहने के कारण से इसका टेम्परेचर ज़्यादा रहता है। ये जो चीज़ उसके ऊपर में रखे हुए है वो चीज़ का टेम्परेचर क्या रहता है, कम रहता है। तो ये डायरेक्ट कांटेक्ट में आने के कारण से ये आलू टिक्की है या मीट क्या करता है, अपनी हीट ट्रांसफर करता है किसको, चीज़ को। और ये ट्रांसफर करने के कारण से ये एक बॉडी होगी, ये चीज़ अपनी दूसरी बॉडी होगी। तो एक बॉडी से दूसरे बॉडी में अभी क्या कर रहा है, ये अपनी मीट अपनी हीट ट्रांसफर कर रहा है किसको, चीज़ को। हीट ट्रांसफर कर रहा है किसको, चीज़ को। तो ट्रांसफर करने के कारण से क्या होगा कि ये एक बॉडी दूसरे बॉडी को हीट ट्रांसफर कर रही है। तो ये कौन से मोड से ट्रांसफर कर रही है, अपनी कंडक्शन मोड से। तो यही लिखा है यहाँ पे, अ पीस ऑफ चीज़ मेल्ट एज हीट इज ट्रांसफर फ्रॉम द मीट टू द चीज़। वो चीज़ क्यों मेल्ट होता है, क्योंकि अपने जो मीट रखा हुआ है वो मीट क्या कर रहा है, अपनी हीट ट्रांसफर कर रहा है किसको, चीज़ को। इस कारण से वो चीज़ क्या होती है, मेल्ट होती है। समझ में आया। तो ये हरदम याद रखना कि चीज़ जो मेल्ट होती है वो किस कारण से मेल्ट होती है, बर्गर में, ड्यू टू दी हीट ट्रांसफर। और वो कौन से मोड से हीट ट्रांसफर हो रहा है, वहाँ पे जो मोड ऑफ हीट ट्रांसफर हो रहा है वो कौन सा, अपना कंडक्शन है। क्लियर है, समझ में आया क्लियर सभी को। तो नेक्स्ट देखते हैं अपन कन्वेक्शन क्या होता है। जैसे अपन ने देखे थे ना मोड्स ऑफ हीट ट्रांसफर कितने, तीन होते हैं, उसमें का अपन ने देख लिया। कंडक्शन में क्या होता है, ड्यू टू पार्टिकल्स, वन पार्टिकल्स से दूसरे पार्टिकल्स में हीट जाती है उसको कंडक्शन। तो कन्वेक्शन में देखते हैं अभी हीट कैसे ट्रांसफर होती है। तो कन्वेक्शन क्या है, कन्वेक्शन इज द प्रोसेस बाय विच हीट इज ट्रांसमिटेड फ्रॉम वन प्लेस टू अनादर प्लेस। हीट ट्रांसफर होंगी कहाँ से, वन प्लेस टू अनादर प्लेस, बाय द मूवमेंट ऑफ हीटेड पार्टिकल ऑफ गैस और लिक्विड। ये जो ये देखो ये सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, ये क्या इससे ट्रांसफर हो रहा है, वहाँ पे पार्टिकल मूव हो रहे थे क्या कंडक्शन में, नहीं, वो सिर्फ अपनी हीट को एक पार्टिकल से दूसरे पार्टिकल में जा रहा था। कंडक्शन में जो अपना पार्टिकल्स थे वो सॉलिड के जो पार्टिकल्स थे वो मूव नहीं कर रहे थे, वो क्या कर रहे थे, डायरेक्ट कॉन्टैक्ट में रहने के कारण से आजू बाजू में अपनी अपनी हीट कैसे कर रहे थे, वो आजू बाजू को दे रहे थे।
अपनी अपनी हीट किसको दे रहे थे, आजू बाजू को दे रहे थे, तो ये वाले इसको बोल दे रहे थे अपन डायरेक्ट कॉन्टैक्ट, डायरेक्ट कॉन्टैक्ट कर रहे हैं। अभी इसमें क्या हो रहा है, मोमेंट ऑफ हीटेड पार्टिकल ऑफ गैस और लिक्विड, मोमेंट ऑफ हीटेड पार्टिकल ऑफ गैस और लिक्विड, मतलब क्या होगा कि इसमें जो पार्टिकल्स रहेंगे कन्वेक्शन में क्या होगा, जो पार्टिकल्स रहेंगे वो पार्टिकल अपने जगह से हटके, वो पार्टिकल क्या होगा अपने जगह से हटेगा, अपने जगह से हटके क्या करेगा ऊपर में चले जाएगा और वो अपनी हीट क्या करेंगे उसको ट्रांसफर करेंगे। इसमें क्या हो रहा है, मोमेंट ऑफ हीटेड पार्टिकल ऑफ गैस और लिक्विड, तो कन्वेक्शन हरदम याद रखना है काय में होगा, एक तो गैसेस में होगा और लिक्विड में, तो इसमें क्या रहता है मोमेंट ऑफ हीटेड पार्टिकल, वहाँ पे मोमेंट नहीं हो रहा था पार्टिकल, इसमें मोमेंट ऑफ हीटेड पार्टिकल्स रहेगा किसमें कन्वेक्शन में, याद है क्लियर है। तो ऑफकोर्स प्राइमरी इन लिक्विड एंड ग्लासेस जिसको अपन बोलते हैं फ्लूइड, कन्वेक्शन हरदम काय में होगा, मैक्सिमम टाइम काय में होगा लिक्विड और गैसेस में जिसको अपन बोलते हैं फ्लूइड। अभी इसका एग्जांपल मैं बताता हूँ, ये देखो एक बर्तन अपन ने लिए, इसमें पानी फिल कर दिए, बर्तन लिए इसमें क्या कर दिए पानी फिल किए और इसको गैस के ऊपर में रख दिए, तो गैस के ऊपर में रख दिए तो ये क्या करेगा गैस अपनी हीट देना चालू करेगा, ये बर्तन को गर्म करेगा, तो ये जो नीचे में ये जो लेयर सबसे नीचे साइड में जो पानी रहेगा वो सबसे पहले वो कुछ पानी भी क्या कर रहा है पार्टिकल से बना हुआ है, पानी कैसे बना हुआ है पार्टिकल से बना हुआ है, तो सबसे पहला पार्टिकल्स जो पानी बना हुआ है वो पार्टिकल से बना हुआ के कारण से क्या होगा ये जो पार्टिकल्स है ये गर्म होंगे, ये गर्म होने के कारण से ये पानी जो रहेगा ये मूव करना स्टार्ट करेगा कहाँ पे ऊपर साइड, ये पानी मूव करेगा कहाँ पर ऊपर साइड, ये वाले जो पार्टिकल्स रहेंगे वो ऊपर साइड में मूव करेंगे। अभी ये पार्टिकल्स ऊपर साइड में गए तो ये जो इसके ऊपर में जो पार्टिकल्स रहेंगे वो कहाँ पे आएंगे नीचे साइड में, मतलब इसमें क्या हो रहा है पानी का मूवमेंट हो रहा है, पार्टिकल्स का मूवमेंट हो रहा है, जो गर्म हो रहा है उसकी डेंसिटी कम होने के कारण से वो कहाँ पे जा रहे हैं ऊपर साइड में, और जो ठंडा पानी हो कहाँ पे आ रहा है नीचे साइड में। तो इस वाले मेथड में जहाँ पे पानी जब अपन गर्म करते हैं या जहाँ पे मूवमेंट ऑफ हीटेड पार्टिकल जो पार्टिकल्स रहते हैं वो मूवमेंट करते हैं, उस वाले मेथड को बोलते हैं अपन कौन सा मेथड, कन्वेक्शन मेथड, कौन से मेथड बोलते हैं इसको कन्वेक्शन मेथड, क्लियर है। तो इस वाले मोड को बोलते हैं अपन कन्वेक्शन मेथड, क्लियर है। तो एग्जांपल देखते हैं, इसमें देखो यहाँ पे एक रेडिएटर लगा हुआ है, आपको पता है रेडिएटर क्या करता है एयर जो रहती है उसको गर्म करने का काम करता है, ये जहाँ पे ठंड काला सीजन रहता है जहाँ पे ठंडी रहती है वहाँ पे जहाँ पे ज़्यादा ठंडी पड़ती है यहाँ पे वहाँ पे घर में जैसे अपन एसी लगाते हैं वहाँ पे वो रेडिएटर लगाते हैं। तो क्या होता है ये जो एयर है ठंडी होने के कारण से आउटसाइड की एयर क्या रहेंगी जिसका टेम्परेचर कम रहेगा, तो ये आउटसाइड की ठंडी एयर आएंगी कहाँ पर अपना इसमें आएंगी ठंडी एयर आएंगी यहाँ पर, ये ठंडी एयर ठंडा होने के कारण से उसकी डेंसिटी ज़्यादा होती है तो एयर कहाँ पे नीचे साइड में रहेंगी नीचे साइड में आएंगी, ये एयर जाएंगी अपने रेडिएटर में। अभी रेडिएटर क्या करता है वो एयर को अपनी हीट ट्रांसफ़र करता है, वो रेडिएटर क्या करता है हीट देता है किसको ठंडी एयर को, तो ठंडी एयर को अपन हीट देंगे तो वो क्या हो जाएगी गर्म हो जाएगी, और गर्म होने के कारण से वो एयर का क्या हो जाएगा डेंसिटी बढ़ेगा, और डेंसिटी बढ़ने के कारण से वो एयर जाएंगी कहाँ पर ऊपर वाले साइड। तो इस तरीके से अपना कन्वेक्शन क्या होता है ट्रांसफर होता है थ्रू रेडिएटर, तो यहाँ पे लिखा हुआ है द रेडिएटर वार्म्स द रूम बाय वार्मिंग द एयर अराउंड इट, रेडिएटर क्या कर रहा है ये जो रूम है इसको क्या कर रहा है गर्म कर रहा है बाय वार्मिंग द एयर अराउंड इट, कैसे वो जो एयर है उसको गर्म करके, दैट द वार्म एयर ट्रांसफर्स हीट टू द रेस्ट ऑफ द रूम थ्रू कन्वेक्शन, और ये जो वार्म एयर जो है वो क्या करती है पूरे रूम में हीट ट्रांसफर करती है, कैसे ट्रांसफर करती है थ्रू कन्वेक्शन, कन्वेक्शन मोड के कारण से ट्रांसफर करती है। तो ये है अपना एग्जांपल किसका कन्वेक्शन का, क्लियर है। नेक्स्ट एग्जांपल देखते हैं फ्रिज, फ्रिज में आपने देखे होंगे कि जो फ्रीज़र रहता है वो हरदम कहाँ पे रहता है ऊपर वाले साइड में रहता है, और बाकी जो अपन सब्जी वगैरह रखते हो कहाँ पे रहती है नीचे, तो वो वेयर फ्रीजर कंपार्टमेंट इज पुट, हरदम वो फ्रीजर ऊपर साइड में ही क्यों पुट किया जाता है, क्यों पुट करते हैं क्योंकि इट इज़ पुट एट द टॉप बिकॉज कूल एयर सिंक सो इट कूल्स द फूड ऑन द वे डाउन, क्यों उसको ऊपर में रखा जाता है क्योंकि ये जो देखो फ्रीज़र में हरदम ठंडा ये रहता है, और ठंडा होने के कारण से जो भी ये ठंडी एयर रहेंगी वो कहाँ पे रहती है वो मूव करना स्टार्ट करती है, जैसे मैंने बताया ना ठंडी चीज़ें का डेंसिटी कम रहती है तो वो कहाँ पे रहेंगी नीचे साइड में जाएंगी, और जब भी वो नीचे साइड में रहेंगी जो भी यहाँ पर अपन सब्सटेंसेस रखते हैं फ्रूट्स वगैरह सब्जी वगैरह जो भी रखते हैं वो सब्जी को ठंडा करने का काम करते हैं ये एयर नीचे आती है, और ये इसका टेम्परेचर क्या रहता है सब्जी का ज़्यादा, तो ये टेम्परेचर ज़्यादा होने के कारण से अपनी हीट किसको देती है ये एयर को देती है, ये वाली जो एयर आ रही है कंपार्टमेंट से उसको, और ये कंपार्टमेंट से जो एयर आ रही है वो गर्म हो जाती है हीट लेने के कारण से, फिर से ये कहाँ पर जाती है ऊपर, वो गर्म हो गई तो उसकी डेंसिटी बढ़ गई तो कहाँ पर जाएंगी ऊपर, और ऊपर जाने के कारण से ये क्या होता है अपना यहाँ पर
फिर से ठंडी एयर, तो इट इज़ वार्मर एट द बॉटम, सो वार्मर एयर राइजेस अप एंड कन्वेक्शन करंट इज सेटअप। तो इस कारण से जो फ्रीजर में जो एयर का सर्कुलेशन हो रहा है वो कौन से मेथड से हीट ट्रांसफर हो रही है उसमें, कन्वेक्शन मोड से। किस कारण से हो रही है, कन्वेक्शन मोड से। क्लियर है, तो समझ में आ गया कन्वेक्शन भी। उसमें क्या हो रहा था, रेडिएशन में पार्टिकल टू पार्टिकल ट्रांसफर हो रहे थे, रेडिएशन में क्या हो रहा था, पार्टिकल्स टू पार्टिकल्स ट्रांसफर होते रहा। कन्वेक्शन में क्या हो रहा है, वो पार्टिकल अपने जगह से मूव करके हीट को ट्रांसफर कर रहे हैं, अपने जगह से मूव करके हीट को ट्रांसफर करते हैं। अभी नेक्स्ट देखते हैं अपना क्या है, रेडिएशन। नेक्स्ट थर्ड टाइप का मोड ऑफ हीट ट्रांसफर कौन सा, अपना रेडिएशन। तो रेडिएशन में देखते हैं कैसे होता है, तो रेडिएशन कहता है हीट इज ट्रांसफर बाय इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स। रेडिएशन में जो हीट ट्रांसफर हो रही है वो एक ही कारण से होती है, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स के कारण से। रेडिएशन में जो हीट ट्रांसफर होती है वो किस कारण से होती है, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स के कारण से। मतलब ये इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स ये है जो वैक्यूम में भी अपना काम करती है, तो जो रेडिएशन है उसमें कोई मीडियम नहीं रखता, ये वैक्यूम में भी अपनी हीट को ट्रांसफर करता है। देयर इज़ नो डायरेक्ट कॉन्टैक्ट बिटवीन सब्सटेंस, और रेडिएशन में क्या हो करता है, डायरेक्ट कॉन्टैक्ट रहता ही नहीं है बिटवीन सब्सटेंस, उसमें क्या रहता है, डायरेक्ट कॉन्टैक्ट नहीं रहता है रेडिएशन में। क्लियर है, रेडिएशन इज द मेथड ऑफ हीट ट्रांसफर दैट डज नॉट रिक्वायर एनी मीडियम। और रेडिएशन ये ऐसा एक इकलौता मेथड है जिसको कोई मीडियम नहीं लगता है, जैसा कंडक्शन में सॉलिड लगता है, कन्वेक्शन में गैस और लिक्विड लगता है, वैसा रेडिएशन में कोई भी मेथड नहीं लगता, मोड नहीं लगता, नॉट रिक्वायर एनी मीडियम फॉर रेडिएशन हीट ट्रांसफर। क्लियर है, समझ में आ गया, इट टेक्स प्लेस इन वैक्यूम। और ये क्या पे, वैक्यूम में भी हो सकता है रेडिएशन, कहाँ पे ट्रांसफर हो सकता है, अपना वैक्यूम में भी ट्रांसफर हो सकता है। तो क्लियर, ये एकदम आपको याद रखना है, रेडिएशन किसके कारण से ट्रांसफर होता है, हीट इज ट्रांसफर थ्रू इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव। रेडिएशन में हरदम हीट जो ट्रांसफर होंगी वो काय के कारण से होती है, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव के कारण से। उसके कारण से डायरेक्ट कॉन्टैक्ट भी नहीं है, देर इज नो डायरेक्ट कॉन्टैक्ट, रेडिएशन इज द मैटर ऑफ हीट ट्रांसफर दैट डज नॉट रिक्वायर एनी मीडियम, उसको एनी मीडियम भी नहीं रखता, और वो काय के कारण से होता है, इट टेक्स प्लेस इन वैक्यूम, और वो वैक्यूम में भी हो सकता है, क्या चीज, रेडिएशन। क्लियर है, एग्जाम्पल देखते हैं रेडिएशन का। ये क्या है, अपना सन है जो हॉट बॉडी है, और ये अपना है अर्थ, ये अपनी है अर्थ। तो अभी सन से अपन देख रहे हैं कि अर्थ के ऊपर में हीट हरदम ट्रांसफर हो रही है, सन से क्या हो रहा है, हरदम अपने हीट ट्रांसफर हो रही है, कहाँ से, सन के अर्थ के ऊपर में। तो सन से अर्थ के ऊपर में हीट कैसे ट्रांसफर हो रही है, दोनों डायरेक्ट कॉन्टैक्ट में है क्या, सन और हीट एक आजू बाजू के डायरेक्ट कॉन्टैक्ट में है क्या, नहीं, ये कायम है अपना, ये एक दूसरे से डायरेक्ट कॉन्टैक्ट में नहीं है, इसके बीच में वैक्यूम है। तो सन अर्थ को कैसे हीट ट्रांसफर कर रहा है, थ्रू मोड्स ऑफ रेडिएशन, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स निकलती है, ये जो है सन से इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स निकलती है, और इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स कहाँ पर आते हैं, अपने अर्थ के ऊपर में आते हैं। तो सन से जो हीट ट्रांसफर हो रहा है अर्थ को, सन से जो हीट ट्रांसफर हो रहा है अर्थ को किसके कारण से हो रहा है, अपना इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स के कारण से। किसके कारण से हो रहा है, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स के कारण से, और वो जो मोड्स ऑफ हीट ट्रांसफर है उसको इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव जिससे हीट ट्रांसफर होती है, वो मोड्स ऑफ हीट ट्रांसफर को कौन सा मोड बोलते हैं अपन, रेडिएशन, कौन सा बोलते हैं, रेडिएशन। क्लियर है, तो सभी को समझ में आ गया कौन से मोड से अपन काम करते हैं। यहाँ पे एक पिक्चर दिया हुआ है कि इसमें आपको बताना है, ये आपका लेफ्ट हैंड है, ये राइट हैंड है, और ये अपर हैंड है। तो आपको इसमें से बताना है कि लेफ्ट हैंड में कौन से मोड्स ऑफ हीट ट्रांसफर हो रही है, राइट हैंड में कौन से मोड्स ऑफ हीट ट्रांसफर हो रही है, और ये जो अपर वाला है उसमें कौन से मोड्स ऑफ हीट ट्रांसफर हो रही है। तो मैं और एक बार आपको रिवाइज कर देता हूँ, कंडक्शन कन्वेक्शन कैसे होता है। अगर सपोज करो ये एक क्लासरूम है, इसमें चार बच्चे हैं, एक क्लासरूम है इसमें चार बच्चे हैं, आसान तरीके से यहाँ पे एक फैकल्टी खड़ा है, यहाँ पे एक फैकल्टी खड़ा है। तो अगर फैकल्टी ने एक पेज दिया ये बच्चे को, पहले वाले को, अगर फैकल्टी ने क्या किया, एक पेज दिया पहले वाले को, तो क्या हुआ, ये पहले वाले ने ट्रांसफ़र किया दूसरे वाले को, पहले वाले ने ट्रांसफ़र किया दूसरे वाले को, दूसरे वाले ने ट्रांसफ़र किया तीसरे वाले को, तीसरे वाले ने ट्रांसफ़र किया चौथे वाले को। मतलब ये क्या है, पहला वाला, पहला ये जो था ये क्या है, पहला पार्टिकल हो गया, दूसरा पार्टिकल हो गया, तीसरा पार्टिकल हो गया, चौथा पार्टिकल। तो ये जो बुक ट्रांसफ़र हो रही है क्या हो रही है, एक पार्टिकल से दूसरे पार्टिकल, पहले वाले ने दूसरे को दिया, दूसरे वाले ने तीसरे को दिया, तीसरे वाले को चौथे को दिया। ये पहला वाला अपनी जगह से मूव किया क्या कहीं पर, नहीं, दूसरा वाला भी किया क्या, नहीं। तो इस वाले मोड को एक पार्टिकल से दूसरे पार्टिकल, दूसरे पार्टिकल से तीसरे पार्टिकल, तीसरे पार्टिकल से चौथे पार्टिकल जो ये जाता है उस वाले, इसको बोला जाता है कौन सा मोड, अपना कंडक्शन। तो ये जो हीट ट्रांसफर हो रही है इस वाले, इसमें कौन से इससे हो रही है, कंडक्शन से। क्लियर है, अभी दूसरी केस कंसिडर करते हैं कि ये जो पहला वाला है,
इसके पास में कॉपी दिया, इसने दूसरे वाले को नहीं दिया, तीसरे वाले को नहीं दिया, ये अपनी जगह से हट गया, अपनी जगह से यहाँ से मूव किया और इसने हीट जाके दे दिया कि इसको, यह यहाँ पे जाके खड़ा हो गया, क्लियर है। फिर ये दूसरा वाला यहाँ पे आया, दूसरे वाले ने अपनी ये लिया, ये लेके इसके पीछे में गया, मतलब इसमें क्या हो रहा है कि पार्टिकल, ये जो पहला पार्टिकल है ये क्या हो रहा है, मूव हो रहा है, फिर दूसरा वाला पार्टिकल भी अपनी जगह से मूव हो रहा है, उसके कारण से तीसरा वाला भी मूव हो रहा है, तो इसमें क्या हो रहा है, पार्टिकल्स मूव हो रहे थे। इस वाले मोड को अपन बोलते कन्वेक्शन, इस वाले मोड को क्या बोलते हैं, कन्वेक्शन, समझ में आया। कंडक्शन में क्या हो रहा है, ये एक दूसरे को पास कर रहे थे, कन्वेक्शन में क्या कर रहे हो अभी, ये पहले वाले ने ट्रांस हट गया वो अपनी जगह से, वहाँ पे दूसरा वाला गया, तीसरा वाला गया, इस वाले मोड को बोलते हैं अपन कन्वेक्शन। और अभी रेडिएशन में क्या होगा, रेडिएशन में ये जो फैकल्टी है इसको फोर्थ वाले को देना है, इसको क्या करना है, फोर्थ वाले को टेक्स्ट बुक देना है, तो वो क्या कर सकता है, एक तो ये जैसा अपन ने पहले देखे एक एक करके ट्रांसफ़र करेंगे, या फिर फोर्थ वाला आएगा उसको देंगे, या फिर ये फैकल्टी ने क्या कर दिया, डायरेक्टली फेंक के, डायरेक्टली यहाँ से फेंक कर ये पहले दूसरे तीसरे को इसको एलिमिनेट कर दिया, और डायरेक्टली फेंक कर उसने चौथे वाले को दिया। तो यहाँ पे कोई मोड है क्या, ये अपनी जगह से हला क्या, पार्टिकल्स नहीं हिले, पार्टिकल्स भी नहीं हिले अपने जगह से, पर डायरेक्टली हीट कैसी होगी उसको फेंक कर उसने दे दिया, तो ये इस वाले मोड को बोलते हैं अपन रेडिएशन। तो हरदम आपको ये याद रखना है कि कन्वेक्शन में क्या होता है, पार्टिकल अपनी हीट ट्रांसफ़र करते हैं पर पार्टिकल मूव नहीं होते, कन्वेक्शन में क्या होता है, हीटेड पार्टिकल अपनी जगह से मूव होते हैं, और रेडिएशन में तो कोई मीडियम लगता ही नहीं, तो इस वाले प्रोसेस को बोला जाता है, इस ये तीन है अपने क्या के मोड्स ऑफ हीट ट्रांसफ़र, क्लियर है। तो लेटेस्ट समराइज आज क्या क्या पढ़े अपन ने, सबसे पहले तो पढ़े अपन ने डिफाइन हीट ट्रांसफ़र क्या होता है वो पढ़े, उसके बाद में तीन मोड्स ऑफ हीट ट्रांसफ़र पढ़े, कौन सा, कंडक्शन, कन्वेक्शन, रेडिएशन क्या होता है, तीन मोड्स ऑफ हीट ट्रांसफ़र, और कहाँ पे कैसे कैसे यूज़ होते हैं उसके एप्लीकेशन देखे, उसके बाद में अपन ने प्रोग्राम आउटकम देखे कि ये प्रोग्राम आउटकम अपने अचीव हो रहे हैं आज के वीडियो देखने के कारण से। तो फ्रीक्वेंटली आस्क्ड क्वेश्चन इन एमएसबीटी, ये कुछ क्वेश्चन है जो एमएसबीटी में आपको फ्रीक्वेंटली पूछे जाते हैं। सबसे पहला क्वेश्चन है डिफाइन हीट ट्रांसफ़र, तो आपको जब हीट ट्रांसफ़र की यहाँ पे डेफिनेशन लिखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है स्टेट डिफरेंट मोड्स ऑफ हीट ट्रांसफ़र, अपने को डिफरेंट मोड्स ऑफ हीट ट्रांसफ़र बताना है, और एक्सप्लेन वन विद सुटेबल एग्जांपल, और क्या करना है, ये जो डिफरेंट मोड्स ऑफ हीट ट्रांसफ़र जो अपन ने पढ़े कंडक्शन, कन्वेक्शन, रेडिएशन, उसके अपने को एग्जांपल्स भी देना है। तो ये एमएसबीटी में क्वेश्चन पूछे जाते हैं, क्लियर है। सो थैंक यू एवरीवन, अगर आपको आज के वीडियो से रिलेटेड कुछ भी अगर डाउट है तो आप मुझे डायरेक्टली कॉन्टैक्ट कर सकते हैं, यहाँ पे मेरी कॉन्टैक्ट डिटेल दी हुई है। सो थैंक यू वंस अगेन एंड हैप्पी लर्निंग, थैंक यू।